प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना महामारी के इस दौर में प्रदेश के समस्त पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को आगामी 3 महीने जून जुलाई अगस्त में निःशुल्क राशन वितरण करने का विगत मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है, उसको अवगत कराने के लिए मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला कमचा वाले हैं, नाई, धोबी, हलवाई, अन्य जो भी प्रतिदिन कमाते खाते हैं, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को हम माह में 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता दें, किस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई है, आपके माध्यम से गाजीपुर जनपद वासियों को यही जानकारी देने के लिए, और साथ में जो सरकार ने सभी के जीवन की रक्षा के लिए आगे बढ़ के काम किया है, हमारे विशेष रूप से यहाँ गाजीपुर की टीम ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य किया है, उसका भी स्वागत करने के लिए मैं आप सभी के मध्य में उपस्थित हुआ। राशन वितरण का सर क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब किस स्तर से कैसे बांटा जाएगा? राशन वितरण जैसे पूर्व में होता रहा है, जो भी पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं और अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सभी को निःशुल्क मिलेगा, किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ अगर कोई पात्र परिवार है, उनका राशन कार्ड नहीं है, तो उनका प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड भी बनेगा, तत्काल बनेगा। साथ ही एक और 2 महीने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस बार भी, आज 21 मई है, कल 20 मई से ही एक और अभियान शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आया है 2 महीने के लिए निःशुल्क राशन, उसका वितरण कल प्रारंभ हो गया है। यह दो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से अलग से है, ये जो मई और जून में दिया जा रहा है ये सरप्लस है। हमारा जो प्रदेश सरकार का नियमित 12 महीने चलता है वितरण, वह वितरण आगामी 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क कर दिया है। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो भी कोरोना के आंकड़े दिए जा रहे हैं, मृत्यु के, वो गलत दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 काम है इस पूरे कोरोना काल में, अखिलेश यादव ने केवल 2 काम किया, एक आजम खान को देखने गए और दूसरा बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी, उसको वहाँ के प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटा दिया, तो उस पर हायतवा मचा रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद हैं, 2 साल से कितने 100 लोग वहाँ मर गए, क्या हो गया, एक बार झांकने नहीं आए। अखिलेश यादव जी, जिनकी कोई ज़मीन नहीं बची है, उल जुलूल बयान देना, जो राहुल गांधी जी से अपनी प्रतियोगिता करते हैं, उनको उनकी बातों के लिए धन्यवाद। सर, कोरोना काल में आयुष्मान कार्ड कितना कारगर है? बिल्कुल कारगर रहा, कोरोना काल में सभी को निःशुल्क इलाज दिया गया है, कहीं पर भी किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड था, जिनके पास नहीं भी था। लेकिन सर, आज भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब तक जो आयुष्मान कार्ड से जो है किसी भी मरीज का जो है इस दौरान जो है कोई इलाज नहीं किया गया है? नहीं, हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं और अनेक लोगों की सद्भावनाएं भी आती हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा के अनेक जो उनकी गंभीर बीमारियां थी उसे निजात पाए हुए हैं, और आगे भी उस कार्ड का लाभ उन परिवारों को मिलता रहेगा। इस कार्ड का लाभ सर, जो COVID-19 से जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं और निजी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, और तो क्या उनका उस इलाज में इसका मान लोग नहीं माना जा रहा है? सर, बिल्कुल, सरकार का पूरा प्रयास है कि हम सभी कोविड मरीजों का निःशुल्क इलाज कर सकें। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, उनके लिए भी रेट तय किया गया है, और सभी जगह निःशुल्क इलाज हो, सरकार का यह प्रयास है और सरकार ने उसमें सफलता भी पाई है। मंत्री जी, 75 जिलों में आज योगी जी ने 93,000 जनसेवा केंद्रों के माध्यम से वैक्सीनेशन और जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की है, क्या बड़ा चैलेंज है? नहीं, इसमें यह बात, जो वैक्सीनेशन हमारा होना है 18+ के लोगों का, 18 से 44 के लोगों का, ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। गत मंत्रिमंडल की बैठक में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया कि हमारे अनेक ऐसे परिवार हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जो स्वयं से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, OTP आता है, हम OTP डालते हैं, तो इसके लिए हुआ कि हमारे जितने ग्रामीण हमारे जो जनसेवा केंद्र हैं
उनको इससे जोड़ा जाए और सभी लोगों का, जैसे अभी 23 जनपदों में हमारा चल रहा है 18 प्लस के लोगों का, हमारे 75 जनपद कुल हैं, हम सभी को बहुत जल्द आच्छादित करने जा रहे हैं। तो जिन जिन जनपदों को हम जिस श्रेणी में लेते जाएंगे, हमारे जनसेवा केंद्रों को पहले से इसलिए सजग कर दिया गया है कि जैसे वो जनपद उस श्रेणी में आएगा तुरंत सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सभी लोग अपने क्रम में जा करके वैक्सीनेट हो सकेंगे, यही सरकार का प्रयास है। जिला पंचायत चुनाव में आपके सत्ताधारी दल के कुछ ही चुनिंदे 6 या 7 सदस्य चुने गए हैं, इस हार को आप किस तरह से ले रहे हैं और क्या समझ रहे हैं किस तरह से? अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसी भी चुनाव में तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में अपने पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को सुधारा है, आगे बढ़ी है और इस चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपने को स्थापित किया है। मंत्री जी, जनपद में ब्लैक फंगस के क्या स्थिति है? नहीं, ईश्वर नहीं करे कि ब्लैक फंगस यहाँ आए, अभी तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। मंत्री जी, जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है तब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर और कार्य करते हुए दिखा, लेकिन किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? हम तो अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का जानते हैं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि यद्यपि स्वयं भी संक्रमित होने के बाद भी जिस तरीके से भी काम किया जा सकता था वैसे काम करने का प्रयास किया, और कोई भी चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों ने अपने जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहे हैं, लोगों की सेवा निरंतर जारी रखे हैं। आजकल ऐसा भी है कि वर्चुअल माध्यम है, फोन के माध्यम है, जिनसे कि सदैव आप सेवा कर सकते हैं, तो उन लोगों ने किया।